Hello friends, welcome to my YouTube channel. Oh, sorry, क्या नाम है तेरा? So friends, इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है. आज मेरे साथ क्या हुआ है ये मैं आपको बताने वाली हूँ. So friends, वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि मैं जब भी वीडियो ना डालूँ आप तक पहुँच जाए. तो चलिए लेट्स गो. सबसे पहले तो यहाँ पे ये हर्षो है जो कि ना होता और मैं इसको डैमेज देती हूँ. साइड से एनिमी मेरे को मारने लगता है. ये ब्लू टी शर्ट वाली लड़की. लेकिन इधर क्या होता है, मैं मेडिकेट कर लेती हूँ. सोचते हैं पहले कर लेती हूँ फिर नहीं तो मैं मर जाऊंगी अगर एक दो गोली और लगा दो. तो फाइनली मैं देखती हूँ इधर मेरे को एनिमी नहीं मिलता है तो और बैटरी भी हो जाता है. तो मैं इन लोगों को लोल दिखा देती हूँ. तो मुझे ऐसा फील हो रहा है मैंने उन लोगों को लोल दिखाया तो लगता है वो बहुत गुस्से में आए क्योंकि जिसको भी लोल दिखा दो इस टाइम पे जिसके पास नहीं है लोल तो वो आग बबूल हो जाता है फूल के मतलब उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है. तो इधर मेरे साथ एक मजाक और हो जाता है कि मैं कुछ खरीद ही नहीं पाती हूँ. मैं बस वेस्ट और हेलमेट खरीद लेती हूँ और मैं गन तो खरीद ही नहीं पाती हूँ. तो मैं सबसे मांगती हूँ कि भाई कोई मुझे गन दे दो भाई गन दे दो. कोई सुनता ही नहीं है और सॉरी सॉरी भी बोलती हूँ कि मेरे पास गन ही नहीं है. आई नीड गन आई नीड गन. तो यहाँ पे हर्षो जो है फिर से नॉक हो जाता है मर जाता है. अब मेरे पास गन ही नहीं है तो मैं इधर उधर से भागते भागते हुई तो जाके छिप जाती हूँ कोने में. तो फाइनली मैं कोने में छिप गई. तो यहाँ से पता चलता है कि एक बंदा आ रहा है मेरे पीछे. आवाज आती है तो मैं यहाँ पहले बैठी रहती हूँ और लोगों को मैसेज करती रहती हूँ. उसके बाद मैं सोचती हूँ यहाँ से निकलना ही अच्छा होगा. बैठी रहूंगी तो कोई फायदा नहीं है. तो मैं इधर दीवार के पीछे से देखती हूँ कि यहाँ पे एक मरा हुआ है और एक जिंदा है. तो ये इसके पास भी कुछ नहीं होता है दूसरे वाले बंदे के पास. तो मेरे को फाइनली एक दूध का गन मिलता है. तो मेरे को बोलता है तीन नंबर हर्षो की मार उसको मार. तो फिर मैं इसको मार देती हूँ. मतलब इसके पास भी गन था तो मैं उछल कूद के जैसे तैसे बच जाती हूँ और फिर से मैं मेडिकेट करने लगती हूँ. तो फाइनली मैंने मेडिकेट कर लिया और मैं यहाँ से अंदर जाती हूँ. देखती हूँ यहाँ पे मुझे कहीं पे भी बंदा नहीं मिल रहा है. तो इधर घुसती हूँ नीचे देखती हूँ दाएं बाएं सब ऊपर नीचे सब जगह देखती हूँ. तो फाइनली मुझे राइट में बंदा दिखा उसके ऊपर चढ़ा हुआ है जिधर पे. तो फाइनली हमारा विक्ट्री हो जाता है. कोई और उसे मार देता है. तो हमारा सेकंड मैच स्टार्ट हो गया है मतलब थर्ड राउंड है. वो सेकंड पूरा हो गया ये थर्ड राउंड है. तो मैं MP5 खरीदती हूँ वेस्ट हेलमेट सब ये वो फलाना दिखना. अब इंतजार है जल्दी से एनिमी को मारने का. तो यहाँ पे तो बहुत ही मतलब ओपी वाला सीन हो जाता है मेरे साथ. पूछे मत क्या हो जाता है. मतलब मैं यहाँ से सीधा जाती हूँ ठीक है. तो ये पटेल है जो मेरे को बोलते हैं कि इधर से आना कंचन मेरे को सपोर्ट करना. मैं एक को नॉक करूँगा तो मारियो लेकिन ये खुद ही मर जाते हैं. तो इधर से बंदे रहते हैं मैं उसको थोड़ा डैमेज देती हूँ ग्लोअर लगा लेते हैं. तो मैं सोचती हूँ क्यों ना मैं पीछे से जाऊँ. ठीक है फ्रेंड्स तो यहाँ से मैं जाते ही मेरे को ये यहाँ पे तीन होते हैं तो धप्पा कर देते हैं. दो ये है एक और अभी निकल के आया. तो देखो ये तीसरा आया. मतलब दोनों मेरे को धप्पा कर दिया. फाइनली मैं मर गई हूँ. तो अभी ये दोनों बचे हुए हैं ठीक है. तो ये हर्षो है और मिस्टर फ्रोजर है. ये दोनों मार के मतलब दोनों मार देते हैं और ट्रिपल किल हो जाता है. विक्ट्री हो जाती है हमारी फाइनली. हो गई है. अब इधर पे मैं फिर से मैं वही सीन हो गया कि वेस्ट हेलमेट तो हमें खरीदना ही रहता है. अगर हम ये सब नहीं खरीदेंगे तो फ्रेंड्स आपको पता ही है जैसा कि मर जाते हैं जल्दी. तो ये वेस्ट हेलमेट है जो कि हमें सपोर्ट करते हैं. अगर एक गोली लगेगा दूसरा लगेगा तो उससे नहीं मरेंगे. तो चार पांच गोली तो खा ही लेता है वेस्ट. तो बहुत मजबूत रहता है इसलिए वेस्ट लेना तो बहुत ही जरूरी है. तो फ्रेंड्स इस बार मैंने दूर का अगर नहीं लिया है और यही मैंने सबसे बड़ी गलती की. तो मैंने पास का गन खरीद लिया है. तो मैं इधर से जाती हूँ तो एक भी एनिमी नहीं मिलता है. तो यहाँ पे सामने एक भी एनिमी नहीं रहता है. तो इधर से पीछे से एनिमी आ रहा है. तो मैं इसको मार देती हूँ. इधर पे हमारा एक बंदा नॉक हो
चुका है और एक नॉक पड़ा है उन दोनों का। फिर उसको मैं मारती हूँ, पर दूर से मेरे को बंदा मार देता है और ये जो दूसरी टीम है उसको रिवाइव कर देता है दूसरा बंदा। अब ये मेरे को बचा लेगा हर्षो, ठीक है। तो हर्षो बचाने आ रहा था, पर पीछे से एक बंदा होता है तो इसको भी नॉक कर देता है, ठीक है। तो ये भी नॉक हो जाता है। तो जो इसको दूसरा बंदा बोलता है इसको मतलब रिवाइव दे, हर्षो बोलता है इसको, तो ये रिवाइव देता है, ठीक है। तो बता जल्दी के भाई आ रहा है तो हट हट, तो ये हटता नहीं है, फिर बाद में हटता, तो ये जब तक नॉक हो जाता है, समझा। तो मैं घर से अंदर से जाती हूँ, मेरे पास क्योंकि दूर का गन है, तो मैंने सोचा मैं दूर से ही खेलूंगी, ठीक है। तो देखते हैं, मैं चारों तरफ घूम के मेरे को कोई भी नहीं दिखता है। तो माइक ऑफ कर दिया ना दोनों के। पटेल है जो जा रहे हैं अंदर, तो ऊपर डबल डोर में जो कि बंदा है, तो मैं इधर से घुस के घूम के जाने की सोचती हूँ। तो इधर मैं देखती हूँ कि बंदा दिख नहीं रहा, तो फर्स्ट बुलेट करते थे पटेल। तो इधर मेरे को दिखता है कि पीछे बंदा है और आगे मैंने उसको डबल डोर में जाने वाले बंदे को डैमेज दिया है, तो दिख ही नहीं रहा है। डबल किल पटेल ने कर दिया है, तो मेरे को एक भी किल नहीं मिला है अभी तक। मैं ढूंढ रही हूँ चारों तरफ, तो इधर मेरे को एक फाइनल बंदा दिखता है जो कि हर्षो से लड़ रहा होता है। मैं जाती हूँ तो इधर ही बंदा है, इसके पास पास का घर में बस दूर का घर, तो उसको माफ कर देता है खास बन जाता है। और ये मेरे को मार देती है, लड़की है ये शायद, ये मेरे को मार देती है। तो फाइनली यहाँ पे पटेल भाई बचे हुए हैं, और पटेल को ये छिपा रहता है, दिखता है, तो इसको मार देते हैं। फाइनली ये मर जाता है, तो अब लास्ट में सिर्फ एक ही बंदा बचा रहता है, और हमारे टीम का एक मेंबर ही हूँ, एक नॉक और ये ब्लू शर्ट वाली स्निफर। तो फाइनली फ्रेंड्स हमारा हो चुका है बोया, पटेल ले लिया बोया। बहुत ही अमेजिंग चीज ये है कि मेरे 6 स्टार कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब मैंने 6 स्टार ले लिए हैं क्लैश स्क्वाड रैंक में। तो आगे भी मैं वीडियो लाऊंगी, उसमें दिखाऊंगी कि कितने स्टार हो गए अभी तक मेरे, 6 मतलब 5 थे या मेरे पास 6 स्टार हैं हीरोइक के। आपके पास कितने हैं कमेंट में जरूर बताएं। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। फ्रेंड्स हम मिलेंगे ऐसी ही कोई अमेजिंग सी बहुत अच्छी धमाकेदार वीडियो में। तो चलिए मैं खेलने जा रही हूँ, बाय बाय टाटा। सो आप भी खेलिए जाइए।